हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि प्लांट्स को ट्रांसड्यूसर क्यों कहा जाता है। तो प्लांट्स को ट्रांसड्यूसर क्यों कहा जाता है, इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, ट्रांसड्यूसर किसको कहते हैं। तो ट्रांसड्यूसर उसको कहते हैं जो एनर्जी के फॉर्म को चेंज कर दे, मतलब एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज कर दे, एनर्जी का फॉर्म बदल दे, तो उसको कहा जाता है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर एनर्जी के एक फॉर्म को एनर्जी के दूसरे फॉर्म में बदल देता है। अब ये जहां तक क्वेश्चन है कि प्लांट्स को ट्रांसड्यूसर क्यों कहते हैं, तो प्लांट्स के बारे में हम जानते हैं कि प्लांट्स में एक यूनिक फंक्शन होता है जो कि किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, और वो फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक बहुत यूनिक सा फंक्शन है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस अकेला वो फंक्शन है जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है कि जिससे क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ऐड होता है, और हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है ये भी सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही ऐसा प्रोसेस है जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है कि जिससे हमारे एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो जाता है और इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। वरना फिर ऑक्सीजन का यूज़ तो सभी करते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, या जब कोई चीज़ बर्न होती है तो उसमें भी ऑक्सीजन का यूज़ होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना ये तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जब रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, या कोई चीज़ बर्न होती है तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। लेकिन फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को ऐड कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। तो यहां पर क्वेश्चन यह है कि प्लांट्स को ट्रांसड्यूसर क्यों कहते हैं। प्लांट्स को ट्रांसड्यूसर तो कहते हैं इसी फोटोसिंथेसिस ही की वजह से, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में यह होता है कि प्लांट जो है वो लाइट एनर्जी को लेता है और उसका इंड रिजल्ट क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। मतलब यह होता है कि लाइट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में बदल लेता है। फोटोसिंथेसिस में यही होता है ना कि सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट जो होता है वाटर लेता है रूट से, और क्लोरोप्लास्ट में ये सारा फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, जिसका रिजल्ट ये होता है कि ग्लूकोज बनता है और प्लांट को एनर्जी मिलती है। तो वो लाइट एनर्जी जो कि सनलाइट लेता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देता है। तो ये जो एनर्जी का फॉर्म चेंज हो गया कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल गई, तो ये जो एनर्जी का फॉर्म चेंज हुआ, इसी फॉर्म चेंज होने की वजह से प्लांट्स को कहा जाता है ट्रांसड्यूसर। क्योंकि ये फॉर्म कौन चेंज करता है, प्लांट चेंज करते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू चेंज करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू चेंज करते हैं। इसी फंक्शन की वजह से, जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज होने की वजह से, प्लांट को कहा जाता है ट्रांसड्यूसर। और ये कैसे होता है, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। तो जहां तक ये क्वेश्चन है कि प्लांट्स को ट्रांसड्यूसर क्यों कहा जाता है, तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि प्लांट लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, इसलिए प्लांट को ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस के बारे में और भी कई लोगों को एक क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, तो उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इन स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड और भी कई डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि प्लांट्स को ट्रांसड्यूसर क्यों कहा जाता है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है या कोई और भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।